लेसन नंबर 13 इज एम आर एंड आईएनजी। हमने इसके पहले के वीडियो में आईएनजी आईएनजी आपको कहां पे ऐड करना है, मैंने आपको एग्जांपल में सिखाया था कि डूइंग वर्ड्स यानी कि जो हम कर रहे हैं या करने वाले हैं वो डूइंग वर्ड्स है। डूइंग वर्ड्स यानी कि जो हम कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लर्न कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो तो डूइंग वर्ड्स है। तो डूइंग वर्ड्स के साथ अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम जैसे कि वीडियो देख रहे हैं तो वॉचिंग, तो हम आईएनजी ऐड करेंगे। तो हमने एग्जांपल भी देखा था, बस हम द एग्जांपल फिर से देखने वाले हैं कि हमने आईएनजी कहां पे ऐड किया है। तो फर्स्ट नंबर में द बर्ड, द बर्ड्स आर, द बर्ड्स आर स्लीपिंग, बर्ड्स ने वो बोल रहे हैं, तो बर्ड द बर्ड्स आर क्रीपिंग। तो हमने ऐसे सीखा था CHIR क्रीप प्लस ING। हम सेंटेंस में ING कैसे ऐड करेंगे हमने वो सीखा था। तो इसका आंसर कैसे आएगा, ध बर्ड आपको आईएनजी क्या करना है, ऐड करना है यानी प्लस करना है, द बर्ड आर क्रिपिंग CHIR PING। तो हमने आईएनजी प्लस कर दिया है, इधर क्या किया है हमने, इधर प्लस दिया है यानी कि ऐड करना, तो आईएनजी प्लस हटा दिया है, प्लस को निकाल दिया है एंड आईएनजी है वो हमने इधर ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आईएनजी हमने कहां पे ऐड किया है, हमने आईएनजी है वो इधर ऐड किया है। तो वर्ड्स आर क्रिपी, आप चेक कर सकते हैं कि आईएनजी हमने कहां पे ऐड किया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, न्यू वर्ड्स आईएनजी ऐड करना है एंड न्यू वर्ड्स बनाना है।
दिया है वॉश, वॉश प्लस आईएनजी। ओके, फर्स्ट नंबर में आपको वॉश दिया है, सेकंड नंबर में आपको स्मेल दी है, थर्ड नंबर में ईट, ईट प्लस आईएनजी है। स्टूडेंट, ये आपको आपकी इंग्लिश फोल्डर में पेज नंबर 40 जहां पे लेसन नंबर 13 दिया है उधर आपको ये कंप्लीट करना है। फोर नंबर ड्रिंक प्लस आईएनजी, एंड लास्ट नंबर है फाइव नंबर जम्प, जे यू एम पी प्लस आई एन जी। जंपिंग। फर्स्ट नंबर में आपको दिया है वॉश प्लस आईएनजी, आईएनजी आपको ऐड करना है, प्लस निकाल देना है, ऐड करना यानी प्लस निकाल देना, वॉशिंग हो जाएगा वॉशिंग। थर्ड नंबर में स्मेल प्लस आईएनजी, स्मेलिंग। थर्ड नंबर में ईट प्लस आईएनजी, ये जो आपको दिया है आप चेक कर सकते हैं कि ये जो प्लस दिया है आपको इधर, ये हमें निकाल देना है। क्या करना है? निकाल देना है, एंड आपको ये दोनों स्पेलिंग है वो लिखने हैं साथ में, वॉशिंग, स्मेलिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड जंपिंग। आपको प्लस क्या करना है? निकाल देना है, ऐड कर देना, निकाल देना, यानी कि उसमें ऐड करके आपने वो स्पेलिंग बनाया है। तो आपको जो प्लस है उसमें ऐड कर देना ईट प्लस आईएनजी, तो इन दोनों का स्पेलिंग आप ऐड करोगे तो ईटिंग हो जाएगा। ऐसे आपको ऐड करके करना है। ये आपको इंग्लिश फोल्डर में पेज नंबर 14 में जो आपको एक्सरसाइज दी है उसमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस आईएनजी डूइंग वर्ड्स के साथ लगता है, ये आपको पता।
वर्ड के साथ लगता है. प्रैक्टिस ए. लुक एट द पिक्चर. लुक एट द पिक्चर. पिक्चर्स एंड से आपको प्रैक्टिस में लुक एट द पिक्चर्स एंड से व्हाट दिस पीपल्स आर डूइंग. वो पीपल है वो क्या कर रहा है. यूज इज आर और एम विद द डूइंग वर्ड्स प्लस आईएनजी फ्रॉम दिस बॉक्स. देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स. इसमें आपको टू आपको ब्रैकेट दिए हुए हैं उसमें आपको चेक करना है एंड आपको जो ब्लैंक दी हुई है उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रीड करना है वो सिंगल है या एक से ज्यादा है वो आपको चेक करना है एंड फिर आपको फिल इन द ब्लैंक. इससे इज आर इज आर एम प्लस आईएनजी. इससे इज आर एम एंड आईएनजी प्लस आईएनजी ऐड करके आपको है वो ब्लैंक फिल करनी है. आपको सिर्फ अभी इसमें आईएनजी ऐड नहीं करना है आपको ये वर्ड इज आर एम एंड आईएनजी ऐड करके है फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है. आप सेंटेंस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक है तो हमें इज यूज करना है एक से ज्यादा है तो आर यूज करना है एंड आई हो तो एम यूज करना है. जो आप पहले भी सीख चुके हैं तो फर्स्ट नंबर में ही आपको दिया हुआ है आई ब्लैंक. आई ब्लैंक डिनर. I blank dinner. आप पिक्चर चेक करो. आपको पिक्चर चेक करना है कि वन पर्सन है वो क्या बना रहा है. कुक कर रहा है डिनर बना रहा है तो वो एक है या एक से ज्यादा है. वो किसके बारे में बता रहा है. वो खुद के बारे में बता रहा है तो उसने क्या यूज किया आई. आई के साथ हमेशा क्या यूज करना होता है आई एम. जब हम खुद के बारे में बता रहे हैं तो हमें आई एम यूज करना है. क्या यूज करना है आई एम. तो ब्लैंक में हम क्या आंसर लिखेंगे. तो ब्लैंक में हम लिखेंगे आई के साथ क्या आता है. यस आई के साथ आता है एम. आई के साथ हमें क्या लिखना है. वो खुद के बारे में बता रहा है तो मैं खुद के बारे में जब बता रही हूँ कि आई एम टीचर तो आई एम. तो आपको लिखना है आई एम डिनर. डिनर है वो क्या कर रहा है बना रहा है तो उसमें आपको ब्रैकेट दिया हुआ है तो आपको चेक करना है कुक. कुक कुक के साथ क्या ऐड करना है आई एन जी. कुकिंग आपको क्या आपने ऐसे ऐड किया आई प्लस एम प्लस कुकिंग. कुकिंग प्लस आई एन जी एंड डिनर. तो ये सेंटेंस जो मैंने ऊपर लिखा है वो उसका आंसर है. क्या है आंसर है कि हमने क्या किया ये सेंटेंस कैसे बनाया. तो हमने क्या किया आई को लिख दिया पहले आई फिर आई के साथ एम लिख दिया. एम प्लस आईएनजी था तो हमने क्या किया कुक लिखा. प्लस है तो ऐड करना है तो आईएनजी ऐड कर दिया. एंटी कर लिख दिया. ओके तो ये हमने फर्स्ट सेंटेंस है वो कंप्लीट किया. तो हमने फर्स्ट सेंटेंस है वो ऐसे कंप्लीट किया. ये आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर इधर राइट है. यस तो राइट आई एम कुकिंग डिनर. हो गया ये सेंटेंस है. ये सेंटेंस है वो राइट है. आई एम आई के साथ एम आता है. आप जब सेंटेंस रीड करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे किया है. ये आप इंग्लिश की बुक इंग्लिश में भी सीख चुके हैं. इंग्लिश में आप लोगों को ग्रामर की आपकी ग्रामर की बुक अलग है इसलिए हम ग्रामर की बुक में कंप्लीट कर रहे हैं. ये इंग्लिश में आपने शायद नहीं किया था बट हम ग्रामर में कर रहे हैं.
the girls blank cricket. क्या दिया है? the girl दिया है. girl कितनी है? yes, तो check करो girls कितनी है. एक से ज्यादा girls है तो ज्यादा हो तो हमें क्या use करना है? is या are. is है वो single है, singular है, and are है वो plural है. तो हम एक से ज्यादा चीज के लिए are use करते हैं. तो are कहाँ से आया? क्योंकि girls में वो girls one नहीं है, बहुत ज्यादा girls है. the girls are, तो हम लिखेंगे the girls are play. p l a y i n g, क्योंकि हमें i n g भी ऐड करना है. तो the girls are playing cricket. थर्ड नंबर, प्रीति ब्लैंक अ पिक्चर. द प्रीति ब्लैंक पिक्चर. आप चेक कर सकते हैं गर्ल है वो एक ही है ज्यादा है तो सिंगल ही गर्ल है. पिक्चर बना रही है. क्या कर रही है? वो पिक्चर बना रही है तो एक ही गर्ल है प्रीति. उसका नाम दिया है प्रीति. ब्लैंक अ पिक्चर, वो पिक्चर बना रही है तो हम क्या लिखेंगे? प्रीति है वो सिंगल गर्ल है. सिंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं. तो इज पेंटिंग बनाना यानी कि पेंटिंग. पेंटिंग पेंटिंग कलर कर रही है. प्रीति इज पेंटिंग अ पिक्चर. वो पिक्चर्स को क्या कर रही है? कलर कर रही है. फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन blank a song. a song children, child मतलब कि एक, and children यानी कि बहुत ज्यादा बच्चे. children blank a song. तो आप पिक्चर्स में भी चेक कर सकते हो कि four children है. कितने children है? four. तो हम क्या लिखेंगे? the children is या are? तो हम लिखेंगे are, क्योंकि एक से ज्यादा है. द चिल्ड्रन आर सिंगिंग अ सॉन्ग. एस आई एन जी सिंग प्लस क्या ऐड करना है? आई एन जी. तो सिंगिंग अ सॉन्ग. फोर्थ नंबर में द चिल्ड्रन सिंगिंग अ सॉन्ग. Now repeat again. I am cooking dinner. I के साथ हमें क्या यूज करना है? am यूज करना है. cooking, वो है cooking कर रहा है. तो I am cooking dinner. क्या किया उसने? वो dinner बना रहा है और खुद के बारे में बोल रहा है. जैसे कि मैं I am writing. I am writing on the board. तो I am cooking dinner. तो वैसे वो cooking, वो खाना बना रहा है, cooking कर रहा है. तो I के साथ हमने क्या use किया? am use किया. Second number में the girls are playing cricket. The girls are playing cricket. The girls, तो girls है वो एक ही है, एक से ज्यादा है. आप check कर सकते हैं कि आपको s दिया हुआ है. क्या दिया है इधर? s दिया है. तो एक ही है, एक से ज्यादा है. तो एक से ज्यादा गर्ल्स है तो गर्ल्स आर प्लेइंग. जब ज्यादा चीजें हो तो हमें क्या यूज करना है? आर यूज करना है. तो आर प्लेइंग क्रिकेट. द गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट, थ्री नंबर में प्रीति इज प्ले पेंटिंग अ पिक्चर. प्रीति है, प्रीति है वो क्या है? सिंगल गर्ल ही है. वो एक ही है प्रीति. तो एक चीज के लिए
कि हम लोगों ने एम इज आर वो कब कहां पे कितने सारे हो या वन हो हमें यूज करना है वो मैंने आपको बताया था। अभी हम सिर्फ ये जो सेंटेंस लिखे हैं हम लोगों ने इसमें हमने आईएनजी एम आर इज कैसे ऐड किया वो भी अभी इसमें सिखा रही हूँ। इस सेंटेंस में आपने ये कैसे ऐड किया ये एक्सरसाइज आपको इंग्लिश वर्जन में कंप्लीट करनी है जो पेज नंबर 41 में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे हम चेक करेंगे फर्स्ट नहीं सेकेंड नंबर में कि हमने आर कैसे ऐड किया। सेकेंड नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं द गर्ल्स प्लस आर प्लस प्ले प्लस आईएनजी क्रिकेट ये सेंटेंस हमने एक्सरसाइज में लिखा था तो हमने एक्सरसाइज में कैसे कम इसे एल किया वो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्या लिखना है आपको ध है ध का ध ही लिखना है आपको ध गर्ल है गर्ल्स है एक में एक से ज्यादा गर्ल्स है तो क्या आएगा तो गर्ल्स है उसे हमें गर्ल्स ही लिखना है। अब हमने क्या ऐड किया ये ऐड किया आर ऐड किया प्लस आर ऐड करना है हमें तो ध गर्ल्स आर ये आर ऐड किया आर कैसे आया क्योंकि इधर गर्ल्स है वो एक नहीं एक से ज्यादा है मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक से ज्यादा गर्ल्स हो या कुछ भी एक से ज्यादा चीजें हो तो हमें क्या ऐड करना है उसके साथ आर ही ऐड करना है इज ऐड नहीं करना है क्योंकि वो सिंगुलर है आर है वो प्लूरल है यानी बहुत सारी चीजों के लिए आर यूज होता है सिंगुलर के लिए वन ही यूज होता है। तो द गर्ल्स आर प्लस जो प्लस दिया है तो प्लस निकाल देना है हमें लिखना है प्ले फिर ये प्लस भी हमें निकाल देना है क्या लिखना है आईएनजी लिखा हमने आईएनजी एंड फिर जो लास्ट में आपको सेंटेंस दिया है वो ही लिख देना है क्रिकेट। ओके तो आपको इतना चल गया कि द गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट हमने कैसे ऐड किया आईएनजी को एंड आर को।
बाय।